लगा लगा भांजे आग लगा दे लगा दे लगा दे। ओ मोटी बंदी क्या कर रहे हो तुम लोग? अबे अंधा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा तेरे को? यहाँ पे हम दोनों बम पटाके चला रहे हैं। तुम्हें पता नहीं है ये सब बम पटाके चलाना यहाँ पे मना है? ये सब यहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं है। क्या मामा, ये कैसी अजीब सी सोसाइटी है, यहाँ हम बम तक नहीं फोड़ सकते? अरे बम नहीं फोड़ेंगे तो फिर क्या फोड़ेंगे हैं? दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है, हम अपने त्योहार कैसे मनाएंगे? किसने बनाया ये घटिया रूल? रूल इज रूल, यहाँ तुम बम नहीं फोड़ सकते। बम फोड़ने से यहाँ पे लोगों को डिस्टर्बेंस होती है, और अगर तुम नहीं मानोगे ना तो तुम्हारी कंप्लेंट भी हो जाएगी, घर खाली करवा देंगे तुम्हारा, और वैसे भी तुम लोग यहाँ पे नए आए हो। यार मामा, इस सोसाइटी में हम लोग नए नए आए हैं और ये रूल भी फर्स्ट टाइम सुना है। ऐसा भी कोई रूल होता है क्या सोसाइटीज के अंदर? हाँ यार भांजे, मुझे तो पता नहीं यार, देख मैं तो सोसाइटियों में रहता नहीं हूँ, मैं तो बस जहाँ तुम लोग जाते हो वहीं तुम्हारे पीछे पीछा लेता हूँ। मैंने भी लाइफ में पहली बार सुना है कि सोसाइटी में कोई ऐसा रूल भी होता है। खैर वो सब छोड़ भांजे, तू मुझे ये बता, तूने अपनी ऑडियंस को बता दिया कि तूने अभी नया घर लिया है, तू वहाँ पे शिफ्ट हो चुका है? अरे क्या बात कर रहे हो मामा, ऑडियंस को ऑलरेडी सब कुछ पता है, सब मेरे डेली व्लॉग्स देखते हैं। डेली व्लॉग्स में अपने डे बाय डे रूटीन की खबर देता हूँ, कब मैंने गाड़ी ली, कब मैंने घर लिया, सब पता है ऑडियंस को। क्यों गाइज, देखते हो ना मेरे व्लॉग्स? और जो नहीं देखता ना वो जाके मेरे व्लॉग देखना स्टार्ट कर दो, डेली सुबह 11 बजे मेरे व्लॉग चैनल पे आते हैं। व्लॉग चैनल का नाम है रचित रोजा व्लॉग्स। हाँ, और इंस्टाग्राम पे जाके मुझे भी देखो, मेरी भी आईडी है उस पर, मैं सुबह शाम एक एक वीडियो डालता हूँ। खैर तुमसे बाद में बात करेंगे भांजे, वो सब छोड़ यार। लेकिन यार इस सोसाइटी में अगर बम फोड़ने में इतनी पाबंदी है, फिर तो यहाँ पे रामलीला भी नहीं बनाई जाती होगी, रावण भी नहीं जलाया जाता होगा। यार भांजे, अब इस तरह हम दशहरा कैसे मनाएंगे और दशहरे के बाद दिवाली कैसे मनाएंगे? ये तो समस्या है, एकदम घोर समस्या है, ये समस्या ही समस्या है। हाँ यार मामा, बड़ी दिक्कत है, ऐसे तो हम अपना कोई भी त्योहार अच्छे से सेलिब्रेट ही नहीं कर पाएंगे। और मामा, तुम क्यों त्योहार मनाने की बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है ना त्योहार में कितने पैसे खर्च होते हैं? है तुम्हारे पास? अरे भांजे, मुझे पैसों की चिंता करने की क्या जरूरत है, वैसे भी तुम लोग हो ना, तुम्हारे ही घर आके तो सारे त्योहार मनाता हूँ मैं। पता था मामा ऐसा ही कुछ बोलोगे, और तुम देखना इस बार हम सारे त्योहार दशहरा दिवाली कितने धूमधाम से मनाएंगे। वो कैसे भांजे, तुझे कोई कुबेर का धन मिला है क्या? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? इंडी बैट से मामा। इंडी बैट, ये क्या होता है? अरे मामा तुम्हें नहीं पता क्या, इंडी बैट इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो 5 गुना डिपॉजिट ऑफर करता है। जैसे कि अगर आप 500 डिपॉजिट करते हो ना तो 2500 का डिपॉजिट मिलेगा, या फिर 400% डिपॉजिट बोनस अप टू 25,000। मामा यहाँ काफी फास्टेस्ट डिपॉजिट और विड्रॉल होता है, वो भी 24/7। अच्छा भांजे, और बताना इसके बारे में। मामा यहाँ पे 5,000 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स एंड गेम्स है, और 24/7 कस्टमर सपोर्ट है, ताकि हसल फ्री विनिंग हो। अरे वाह भांजे, अब तो मैं भी इंडी बैट पे जाके गेम्स खेलूंगा। हाँ मामा खेलो खेलो। अच्छा भांजे, एक मस्त आइडिया आया है। नहीं नहीं मामा नहीं, बिल्कुल भी नहीं मामा नहीं। मामा तुम्हारे आइडिया ना हमेशा सत्यानाश करवाते हैं। नहीं अरे भांजे, एक बार अपने मामा का आइडिया सुन तो ले, उसके बाद बोलियो तू। सुधरने तो तुम वाले हो नहीं मामा, कोई नहीं बोलो फिर भी। सुन, हम ये सारे सोसाइटी वाले लोगों को इकट्ठा करते हैं और इन लोगों को एग्री कर लेते हैं इस सोसाइटी में रामलीला का आयोजन करने के लिए। वैसे भी इन लोगों ने कभी यहाँ सोसाइटी में रामलीला तो मनाई नहीं होगी, ना ही इन लोगों ने कभी सोचा होगा। अगर हम लोगों ने इनको एग्री कर लिया तो यहाँ पे अच्छे से दशहरा मनाया जाएगा, और फिर अच्छे से रावण भी जलाया जाएगा, उसके बाद अच्छे से दिवाली मनाई जाएगी, धूमधाम से मजा आ जाएगा भांजे। वाह मामा वाह, क्या बात है, लेकिन तुम्हारी सड़ी सी बुद्धि में इतना बड़ी आइडिया आया कैसे? बस भांजे यही तो बात है, तभी तो तेरा मामा और उसे खास है। ठीक है मामा, फिर एक काम करते हैं, हमें सोसाइटी में जो जो लोग दिखते जाएंगे ना, उन सबसे हम रामलीला के बारे में बात कर लेंगे, फिर कुछ लोगों को अपनी तरफ कर लेंगे, और फिर बाद में पूरी सोसाइटी को एक करके एक मीटिंग रखेंगे और रामलीला का आयोजन करेंगे मामा। अच्छा ये बताओ कि रामलीला में मेरा कैरेक्टर क्या होगा? वैसे रचित भांजे, मुझे लगता है तेरी पर्सनैलिटी देख के ना, तो मुझे लगता है कि तेरे को ना एक बढ़िया सा कैरेक्टर ही सूट करेगा। हाँ मामा वो तो है, तेरी पर्सनालिटी के हिसाब से ना तो तेरे को एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर ही देना पड़ेगा। वाह मामा, महत्वपूर्ण कैरेक्टर, वो तो बनता है मामा, कैरेक्टर बताओ क्या होगा? तू करेगा एक पेड़ का कैरेक्टर। पेड़ का कैरेक्टर? अरे ये कैसा कैरेक्टर हुआ मामा? अरे हाँ भांजे, तू कोई ऐसे वैसे पेड़ का कैरेक्टर थोड़ी करेगा, तू उस पेड़ का कैरेक्टर करेगा जिस पेड़ के नीचे हमारे प्रभु श्री राम अपने वनवास के समय पे विश्राम किया करते थे। अरे मामा फिर तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मेरा कैरेक्टर तो हो गया डिसाइड, अब एक काम करते हैं, सोसाइटी के और लोगों से भी मिलते हैं। चलो मामा वहाँ चलते हैं। चल ठीक है,
श्री राम का नाम लेते हैं और लोगों से आज्ञा लेने चलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। अबे ये शीशा तो 50,000 रुपए में बिक जाएगा मायापुरी में। हेलो भैया। हेलो जी भैया, बोलो। हम ना सोसाइटी में फर्स्ट टाइम रामलीला का आयोजन करने जा रहे हैं, तो आप हमारी बात से एग्री करते हो? हाँ हाँ, इस सोसाइटी में फर्स्ट टाइम हो रहा है तो कर लेंगे। फिर तो आप रामलीला के अंदर कोई कैरेक्टर भी प्ले करोगे? वैसे क्या कैरेक्टर दोगे, मेरी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा कैरेक्टर देना। अरे आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से बिल्कुल अच्छा कैरेक्टर मिलेगा आपको, क्यों मामा? हाँ बिल्कुल भांजे। वैसे भाई साहब, आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से ना आपके ऊपर सूट करेगा वानर का कैरेक्टर। क्या वानर? अरे मैं तो सोचा हनुमान जी का कैरेक्टर तो दोगे। अरे हनुमान जी का नहीं, तो कम से कम बाली या अंगद का तो कैरेक्टर दो, मेरी पर्सनालिटी वही सूट करेगा। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, वानर सेना की भी पूरी अहमियत थी रामायण के अंदर। वानर सेना ने बहुत जिम्मेदारियां निभाई थी और वानर का कैरेक्टर तुम्हारे ऊपर बहुत जचेगा। अच्छा जचेगा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल जचेगा। तुम्हें पता नहीं है क्या, वानर सेना ने मिलकर राम सेतु बनवाया था। हाँ हाँ चलो ठीक है, कर लूंगा वानर का कैरेक्टर। ठीक है भैया, हम ना वहाँ ऊपर फोर्थ फ्लोर पे रहते हैं, शाम को आ जाना 4 बजे, रिहर्सल करेंगे और डिस्कशन कर लेंगे रामायण की। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो मामा। साला शीशा तो चुराऊं। यार सब तो ठीक लग रहा है, ये लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं? क्या हो गया भाई, घूर क्यों रहे हो मुझे? मेरी जेब काट के भागोगे क्या? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बहुत डिसेंट बालक हैं। हाँ हाँ, अरे मैं भी बहुत डिसेंट बालक हूँ। तुम बालक हो? कौन से एंगल से तुम बालक लगते हो? अरे अरे दिल से ब्रो, दिल से। दिल तो बच्चा है जी, अभी कच्चा है जी। बस बस ठीक है, काम बोलो, घूर क्यों रहे थे? भाई हमने ना तुम्हें दूर से देखा, तुम बहुत स्मार्ट और डैशिंग लग रहे थे। स्मार्ट और डैशिंग से तुम लोगों का क्या मतलब है, साफ साफ बोलो, मैं स्ट्रेट हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, तुम तो गलती समझ बैठे यार, हमारा वो मतलब नहीं था। मामा बताओ ना इसको। ऐसे ऐसे भाई तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है। अरे क्या हो गया भाई, किसी मूवी के डायरेक्टर वायरेक्टर हो क्या? अरे भाई हम ना फर्स्ट टाइम अपनी सोसाइटी के अंदर रामलीला का आयोजन करने की सोच रहे हैं, और उसके लिए ना हमें तुम्हारे अंदर एक बहुत बढ़िया कैरेक्टर नजर आ रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमें पहले ये बताओ आप कैरेक्टर करने के लिए कम्फर्टेबल हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे जी, जान लगा देंगे। रोल क्या करना है ये बताओ। ऐसे भाई आपको ना हम एक बढ़िया रोल देंगे, हम आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आपको हिरन का रोल देंगे। हिरन का? ये कैसा रोल हुआ? अरे भाई ये कोई ऐसे वैसे हिरन का रोल नहीं है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ये उसी हिरन का रोल है जिसके पीछे हमारे प्रभु श्री राम भागे थे और पीछे से हमारी सीता मैया का हरण हो गया था। अच्छा वो कैरेक्टर। और भाई ये आपकी पर्सनालिटी को सूट भी करेगा। तो फिर हम आपकी तरफ से डन समझे ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वैसे भी फर्स्ट टाइम हमारी सोसाइटी में रामलीला हो रही है, फिर कर लूँगा। ठीक है तो फिर शाम को 4 बजे आ जाना, वहाँ फोर्थ फ्लोर पे रहते हैं, रामलीला की डिस्कशन कर लेंगे और रिहर्सल कर लेंगे। ठीक है आ जाऊँगा। ठीक है आओ मामा। ठीक है भैया, आप शाम को 4 बजे हमारे घर आ जाना, वहाँ ऊपर फोर्थ फ्लोर पे रहते हैं, रामलीला की रिहर्सल कर लेंगे और डिस्कशन कर लेंगे। चलो मामा। ठीक है भाई, शाम को 4 बजे हमारे घर आ जाना, हम वहाँ फोर्थ फ्लोर पे रहते हैं, रामलीला की रिहर्सल और डिस्कशन कर लेंगे। चलो मामा। मामा एक काम तो बढ़िया हो गया, अब तो फर्स्ट टाइम हमारी सोसाइटी में रामलीला मनेगी, रावण जलेगा, दशहरा मनेगा। बिल्कुल भांजे, अब तो समा बांध देंगे। हाँ मामा। अबे यहाँ गेट पे दरबार मन के क्यों खड़ी है, चल साइड अंदर जाने दे हमें। अंदर जाना है तो पहले निकालो 1,000 रुपए। 1,000 रुपए? किस बात के? किस बात के क्या, सोसाइटी से ना तुम दोनों की कंप्लेन आई है कि तुम दोनों अपनी मनमर्जी चला रहे हो, सोसाइटी के रूल्स ब्रेक कर रहे हो और पटाखे फोड़ रहे हो। और शुक्र करो कि कंप्लेन अभी तक मेरे पास ही आई है, और अगर ये कंप्लेन मैंने आगे मम्मी और दादी तक फॉरवर्ड कर दी ना, तो तुम लोगों को पता है कि तुम्हारी क्या हालत होगी। तो चलो निकालो 1,000 रुपए।
अरे स्वाति भांजी, तू ऐसा करेगी अपने मामा के साथ? अरे मामा आप तो चुप ही रहो, आपने जो हमारे साथ किया है ना पूरी ऑडियंस को पता है, उसके आगे जो मैं कर रही हूँ ना वो तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए आप तो चुप ही रहो और पैसे निकालो फटाफट चलो। यार भांजे ये तो वही बात हो गई, खाया थोड़ा और बिल फटा लंबा चौड़ा। यार मामा मेरे पास 1000 तो नहीं, 10 रुपए हैं बस। मेरे पास भी कुछ मिला है, मेरे पास भी 10 रुपए हैं, टेप लगा हुआ है। कंगले कहीं के, यार मैं भी किन से बोल बैठी, इनके पास तो 100 रुपए भी नहीं होंगे और मैं 1000 की उम्मीद लगा रही थी, ब्लडी पुअर पीपल। चलो अंदर। अच्छा बहन अब तू ये बात अंदर किसी को बताएगी तो नहीं ना? हाँ हाँ गरीब समझ के माफ किया, नहीं बताऊंगी, चलो अंदर। अरे भांजे वो देख घड़ी में 4 बज गए हैं, जल्दी चल हम लोगों को रामलीला का प्रोग्राम सेट करना है। हाँ। बेटा ज्यादा उतावला मत हो, मुझे पता कोई नहीं आने वाला। दादी मम्मी आप दोनों? हाँ हाँ हम लोग, और क्या तूने ये रामलीला रामलीला लगा रखा है, कोई नहीं आने वाला? अरे लेकिन नीचे तो सब लोगों ने ये बोला था कि वो लोग आएंगे और कैरेक्टर भी प्ले करेंगे। बेटा आजकल की सोसाइटियों में यही होता है, बोल तो सब देते हैं पर आता कोई नहीं है, ये गांव थोड़ी है ये शहर की सोसाइटी है, यहाँ ऐसा ही होता है। यार भांजे शिट यार हमारी करी कराई मेहनत पे पानी फिर गया। हाँ यार मामा हम लोग कितने एक्साइटेड थे कि हम सोसाइटी में फर्स्ट टाइम रामलीला मनाएंगे। क्यों मनाएगा तू रामलीला, पढ़ाई लिखाई तेरे से होती नहीं, मनाएगा तू रामलीला? अब रामलीला चलेगी 10-15 दिन तक, क्या तू उसी में घुसा रहेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तू, स्कूल में क्या करेगा, टेस्ट में क्या करेगा, एग्जाम में क्या तू फेल होके आएगा? कोई रामलीला नहीं मनानी, अच्छा ही हुआ जो कोई नहीं आया सोसाइटी में से, वो बच्चे भी ना अपने घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, तू भी जा बैठ के पढ़ाई लिखाई कर ले और रामलीला मनाने की ना कोई जरूरत नहीं है। क्या यार मम्मी ऐसे मत करो ना, और पहले आप ये बताओ कि आपको ये सारा प्लान हमारा बताया किसने? माँ उम्र तेरी मेरे को ना सब पता है, तुम सोसाइटी में कब कहाँ और क्या क्या गुड़ खिलाते रहते हो। और हाँ सोसाइटी से कंप्लेंट भी आ रखी तुम्हारी, जो बड़े चौड़ में तुम लोग बम पटाके फोड़ रहे थे। नहीं इरादा क्या है तुम्हारा ये सब करके, हमको सोसाइटी से निकलवाना चाहते हो क्या तुम? अरे नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ये बताओ कि आपको ये सब पता कैसे लगा? मामा ये बात तो हमारे अलावा सिर्फ स्वाति को पता थी ना। हाँ यार भांजे ये तो हमारे और स्वाति के बीच का सीक्रेट था। मुझे ना तुम्हारी सारी कारस्तानी पता है, ठीक है ना? लेकिन कैसे मम्मी? मैंने बताया ऐसे। दल बदलू धोखेबाज चुगलखोर बदतमीज, हमारे बीच तो डील हुई थी ना कि ये बात तू किसी को नहीं बताएगी। अबे कौन सी सेंचुरी में जी रहा है तू, कल तक जो ट्रैफिक पुलिस वाला बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर 150 लेके मान जाता था, अब वो 500-700 लेकर भी नहीं मानता, और तुझे क्या लगता है मैं तेरे 20 रुपए में मान जाऊंगी और अपना मुंह बंद कर लूंगी? इम्पॉसिबल, 20 रुपए में ना इतनी लॉयल्टी मिलती है। चलो चलो अब ये रोना धोना ना तुम बाद में करना, पप्पू भाई तू जाके कुछ काम कर ले और रचित तू जाके अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर ले। अच्छा मम्मी सुनो, देखो रामलीला के लिए तो हमारी सोसाइटी भी सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन एटलीस्ट दशहरे पे रावण का दहन तो करने दो, रावण जलाने दो, कुछ तो अच्छे से सेलिब्रेट करें हम लोग। तुमको भी मना कर दिया ना, ना ही रामलीला मनेगी और ना दशहरा सेलिब्रेट होगा, सुन लो तुम, देखते नहीं क्या रावण जलता है तो कितना पोल्यूशन होता है, पर्यावरण को कितना नुकसान होता है। ए बहू एक बार तो मैंने तेरी सारी बातें मान ली कि बच्चे रामलीला मनाएंगे तो उनकी पढ़ाई का नुकसान होगा, लेकिन पर्यावरण का नुकसान वो केवल दिवाली और दशहरा पे ही क्यों नजर आता है, बाकी फेस्टिवल्स पर पर्यावरण का ख्याल नहीं आता? जब क्रिसमस पर लोग लाखों पेड़ काटकर अपने घरों में क्रिसमस ट्री सजाते हैं तब नहीं होता क्या पर्यावरण का नुकसान, और जब नए साल पर पूरी दुनिया में बम पटाखे फूटते हैं तब नहीं होता पर्यावरण को नुकसान, और फिर जब ईद पर बेजुबान जानवर काटे जाते हैं और उनकी साफ सफाई में लाखों लीटर पानी वेस्ट होता है तब नहीं होता पर्यावरण को नुकसान। बच्चों चलो मैं तुमको परमिशन देती हूँ, तुम दशहरे पे रावण जला लेना कोई दिक्कत नहीं है, समझी बहू? बच्चों पर इतनी पाबंदी लगाना भी ठीक नहीं है कि वो एंजॉयमेंट करना ही भूल जाए। थैंक यू दादी थैंक यू, आप तो हमारी फीलिंग्स को अच्छे से समझती हो। मम्मी अब तो मना लेना दशहरा। हाँ हाँ मना लेना मना लेना। मामा अब तो हम दशहरे पर रावण जलाएंगे। अरे रामलीला नहीं मनी तो कोई बात नहीं, रावण तो जलेगा ना। हाँ वांजे चलो रावण वावण लेने के आने की अपनी तैयारी करते हैं यार। मैं भी देखती हूँ ये कैसे दशहरा मनाएंगे और कैसे जलाएंगे ये रावण।
लो भाई फाइनली अपना रावण हो गया तैयार। मामा स्वाति कल है दशहरा तो शाम को जलाएंगे रावण, कल मनाएंगे दशहरा, कल मनाएंगे विजयदशमी, कल होगी बुराई पे अच्छाई की जीत और रावण जलाऊंगा मैं। चलो आओ चलो। अरे एक मिनट ऐसे कैसे तू जलाएगा, रावण मैं जलाऊंगी। अबे ओ ऐसे कैसे तू रावण जलाएगी, एक तो तूने हमारी चुगली करी, हमारा सारा प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया और उसके बाद इतनी मुश्किल से मैंने घर वालों से रावण जलाने की परमिशन ली और जब रावण बना के तैयार कर दिया तो तू कह रही है कि तू रावण जलाएगी, ऐसे कैसे तू जलाएगी, रावण तो मैं ही जलाऊंगा। अरे नहीं रुक जाओ, रावण ना तू जलाएगी ना तू जलाएगा, रावण तो तुम्हारा मामा जलाएगा। अरे मामा तुम क्या जलाओगे रावण, तुम्हारी खुद की हंसी तो रावण जैसी है और तुम तो हो ही कलयुग के रावण। कल दशहरा है, गलती से ना मार्केट में जाके हंस मत देना वरना लोग रावण समझ के तुम्हें ही फूंक देंगे बीच बाजार में। पांजे तू अब अपने मामा को ऐसे बोलेगा, इतना डिमोटिवेट करेगा। अरे मामा ज्यादा 3-5 मत करो और 9-2-11 बोलो, रावण तो मैं ही जलाऊंगा। अरे ऐसे कैसे, रावण मैं जलाऊंगी बोल दिया ना। नहीं रावण मैं जलाऊंगा, रावण मैं जलाऊंगी बोल दिया ना एक बार, रावण मैं जलाऊंगा तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता। अरे ठीक है शांत हो जाओ, एक काम कर लेते हैं पुग्गम पुगाई कर लेते हैं, जो जीतेगा वो रावण जला लेगा, जो जीतेगा समझ लेना उसके ऊपर भगवान श्री राम का आशीर्वाद है और भगवान श्री राम भी यही चाहते हैं कि वो ही रावण जलाए। तो ठीक है फिर पुग्गम पुगाई कर लो। यार सेम आ गया, दोबारा करो चलो। यस मैं जीता, मुझे तो पता ही था मैं ही जीतूंगा, भगवान राम का आशीर्वाद जो है मेरे साथ। और तू तो जीत ही नहीं सकती, तू तो है ही एक नंबर की चुगलखोर। और मामा आप तो हो ही रावण, आप कैसे जीत जाओगे। और मैं ठहरा सीधा साधा मर्यादा पुरुषोत्तम राम मनुष्य, मुझे तो जीतना था ही। तो अब तुम दोनों कल रेडी रहना रावण दहन देखने के लिए, क्योंकि रावण का दहन मैं करूंगा। चलो बाय बाय, लव यू, टेक केयर। अच्छा इन लोगों ने रावण भी तैयार कर लिया है, पर कोई बात नहीं, इनको मैं ऐसे रावण जलाने नहीं दूंगी। मम्मी जी ने सबके सामने मेरी इतनी बेइज्जती की, इतना मेरा अपमान किया, इंसल्ट करी, अब तो मैं इनको ना बिल्कुल रावण जलाने नहीं दूंगी। एक काम करती हूँ, इस रावण को ना मैं छुपा देती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे रावण जलाएंगे। आए बड़े रावण जलाने वाले, अच्छाई पर बुराई की जीत दिखाने वाले, खुद तो ये लोग इतने बुरे हैं और जलाने चले हैं रावण। पहले अपने अंदर की बुराई तो खत्म करें ये लोग। और एक मेरा भाई पप्पू इतना निकम्मा हो गया, मेरी तो एक नहीं सुनता, दादी की और रचित की साइड लेने लग गया है ये। और एक ये रचित ना पढ़ाई लिखाई करता है, हर जगह से ना उसकी कंप्लेंट आती है। इनको ना खुद की बुराई नहीं दिखती, बस रावण को जलाकर नाम नाम की बुराई मिटाने चले हैं ये लोग। एक काम करती हूँ, इस रावण को ना मैं छुपा देती हूँ। उठो वत्स, उठो। राम जी, मेरे सामने राम जी खड़े हैं। हे राम जी, मैं कैसे आपको प्रणाम करूं? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो राम जी की। प्रणाम वत्स, प्रणाम। परंतु मैं तुम्हें यहाँ दर्शन नहीं, मार्गदर्शन देने आया हूँ, ताकि तुमसे जो अनर्थ होने वाला है वो ना हो सके। लेकिन प्रभु, मेरे से ऐसा क्या अनर्थ होने वाला है? तुम अपने बच्चों से उनकी इच्छाओं को मत छीनो, ये एक माँ के लिए कदापि उचित नहीं है। लेकिन राम जी, मैंने क्या अनुचित किया बच्चों के साथ जो एक माँ को नहीं करना चाहिए? माएँ अपनी बच्चों की चंचलता की प्रेमी होती हैं, वे उनकी सच्ची और अच्छी इच्छाओं को मारती नहीं, किंतु उनको प्रोत्साहित कर उनमें आगे बढ़ने का विश्वास जगाती हैं। परंतु तुमने उनकी सच्ची और अच्छी इच्छाओं को मिटाने का प्रयास किया है। उन्होंने जिस आशा के साथ अपने मन में रावण दहन के विचार को जन्म दिया, तुम उसको मिटाकर उनके मन में निराशा भरना चाहती हो। लेकिन राम जी, मैं क्या करती? रचित की हर जगह से शिकायत आती है, कभी स्कूल से कभी सोसाइटी से, मेरे को मजबूर हो गए ये सब करना पड़ा। और राम जी, मेरा भाई पप्पू ना बच्चों के साथ बच्चा बन जाता है, जैसा वो बोलते हैं वैसा ही करने लग जाता है, आपको तो सब पता ही होगा ना राम जी। वत्स, मैं सृष्टि के कण कण में समाया हूँ, मुझे हर एक बात का आभास है, परंतु तुम जो करने जा रही हो वो एक माँ की प्रकृति के विरुद्ध है। कल्पना करो, यदि बच्चे त्योहार, परंपरा, संस्कार और अपनी चंचलता से ही विमुख हो जाएंगे और अपने धर्म को भूल जाएंगे, तो आने वाली भविष्य पीढ़ी का क्या होगा? मानव आधुनिकता की इस प्रथा में अपने वास्तविक लक्ष्य और उद्देश्य से भटक गया है। माएँ सिर्फ जननी ही नहीं, सृष्टि को पाल पोस कर बड़ा करने वाली रचेता भी होती हैं।
आप उन्हें धर्म, संस्कृति और परंपरा का ज्ञान कराओ ताकि वे भविष्य में उनका अनुसरण कर सकें। यदि वे खुद अपनी संस्कृति को जानना चाहते हैं, दशहरा के दिन रावण दहन करना चाहते हैं और बुराई पर अच्छाई की विजय चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने से रोकना, अपनी संस्कृति व परंपरा से विमुख करना होगा। मैं स्वयं तुम्हें इस बात का ज्ञात कराने आया हूँ, किंतु मेरी जगह मेरा प्रिय भक्त हनुमान आता तो उसका क्या परिणाम होता, इसका आभास तो तुम्हें होगा ही। राम जी, मैं समझ गई जो आप मेरे को समझाना चाहते हो। मुझे माफ कर दो, मुझे पता चल चुका है मैं कितना बड़ा अपराध करने जा रही थी। वत्स, जिस अपराध को अभी तक तुमने किया ही नहीं उसके लिए मैं तुम्हें कैसे अपराधी मान सकता हूँ। मैं तो बस तुम्हें मार्गदर्शन देने आया हूँ। जय श्री राम, आशीर्वाद दो प्रभु। हर हर महादेव। तथास्तु। अरे, रूम में तो कोई नहीं है, यानी राम जी मेरे सपने में आए थे मेरा मार्गदर्शन करने। मैं तो धन्य हो गई राम जी मेरे सपने में आए। अरे मम्मी, इतनी रात को किससे बात करे जा रहे हो, सो जाओ ना। अरे कुछ नहीं, हाँ सो जा, तू सो जा, मैं भी सो रही हूँ। चलो भाई, आज तो रावण जला है। अरे रावण कहाँ चला गया? मामा कल शाम को यहीं तो छोड़ के गए थे हम। अरे हाँ भांजे, कल तो यहीं था रावण, अभी कहाँ चला गया? स्वाति, पक्का है तेरी हरकत है ना, तूने किया है ना कुछ? मैंने तेरे को रावण जलाने से मना करा इसलिए तूने ऐसा करा ना? अरे मैंने कुछ नहीं किया भगवान कसम, अगर मैंने ऐसा किया हो ना तो मैं और मामा यहीं के यहीं भस्म हो जाए। अरे भांजी पागल हो रही है तू, अपने साथ साथ मुझे भी लपेटे में ले रही है, खुद तो भस्म होगी होगी और मुझे भी करवा रही है। अरे ट्रस्ट मी भाई, ट्रस्ट मी मामा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पक्का तूने ही कुछ करा है? अरे बेटा परेशान मत हो, रावण अपने बिल्कुल सही जगह पर है जहाँ उसे होना चाहिए। मतलब जानना है ना, तो चलो मेरे साथ नीचे, मैंने ना सोसाइटी वालों से परमिशन भी ले ली है, अब रावण दहन पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे बहू, तुमने सोसाइटी वालों से परमिशन कब ली? मम्मी जी, परमिशन ले ली ये इम्पोर्टेंट है, कब ली, क्यों ली ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों बच्चों? अरे दशहरा है, विजयदशमी है, रावण दहन होगा तो अच्छे से होना चाहिए ना। यही तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है जो मैं अपने बच्चों को दूंगी, ताकि ये परंपरा इनके बच्चों के बच्चों के बच्चों तक चलती रहे। वाह मम्मी, आपने तो आज दिल खुश कर दिया। चलो अब रावण दहन करने चलते हैं। अरे वाह, अरे हमने तो एक ही रावण बनाया था, ये साथ में दो रावण कहाँ से आ गए? अरे बेटा, रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण भी तो है, इनके बिना कैसे विजयदशमी मनेगी? हाँ मम्मी सही कह रहे हो ये तो आप। चल अब फटाफट से रावण दहन कर दे। हाँ श्री राम। जय श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। विजयदशमी पर विजय का प्रतीक है श्री राम, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है श्री राम, तो सब प्रेम से बोलो जय श्री राम। सो गाइस, कैसी लगी वीडियो? आई होप आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करना
और जेन्युइनली आपको कैसी लगी है वो मेरे को कमेंट करके अभी बताना गाइस। और गाइस आप लोग भी इंडी बेट पर जाकर खेलो, 500 डिपॉजिट करो और 2500 रुपए पाओ अपने अकाउंट में। 5x डिपॉजिट के साथ 5x मजा भी आएगा, तो आज ही इंडी बेट पर गेम्स खेलना स्टार्ट करो गाइस। इंडी बेट पे 5000 से भी ज्यादा गेम्स एंड स्पोर्ट्स अवेलेबल है। तो चलो गाइस, ये थी अपनी दशहरे की वीडियो। सारे लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे जय श्री राम, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जल्दी ही लेके आऊंगा एक और अच्छी वीडियो। बाय गाइज़।